हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही दोस्तों इसी तरह की काम की खबरें हर रोज देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान, कहा ई रिक्शा ऑटो और टैक्सी वालों को भी मिलेंगे 5,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, फैल रही बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए पूरे देश में बंद का ऐलान कर दिया गया है। दुकान से लेकर मॉल तक सब कुछ बंद पड़े हैं, बस ट्रेन और हवाई जहाज तक सब कुछ बंद है, सड़कें बिल्कुल खाली पड़ी है। हालांकि दोस्तों जरूरत की चीजों को बंद से मुक्त रखा गया है। दिल्ली सरकार ने बंद के चलते संकट झेल रहे ऑटो रिक्शा टैक्सी ई रिक्शा चलाने वाले लोगों को 5,000 रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया है। दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि बंद के चलते किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी न हो, इसके लिए व्यापक स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। सरकार ने रोजाना 10 लाख लोगों को दोनों समय का भोजन मुहैया कराने की व्यवस्था भी विकसित कर ली है। साथ ही दोस्तों मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने दिल्ली में रजिस्टर्ड ई रिक्शा चालकों, ऑटो रिक्शा चालक, टैक्सी ड्राइवर, आरटीवी, ग्रामीण सेवा जैसी ट्रांसपोर्ट सर्विस से जुड़े लोग भी इस बंद के चलते प्रभावित हो रहे हैं। इन लोगों की मदद के लिए सरकार ने इनके बैंक खातों में 5,000 रुपए ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। केंद्र सरकार ने 960 विदेशियों को किया ब्लैकलिस्ट, जमात के कार्यक्रम में शिरकत करने के कारण वीजा भी कर दिया रद्द। जी हां दोस्तों, सरकार ने वीजा शर्तों का उल्लंघन कर तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल होने के कारण गुरुवार को 960 विदेशियों के नाम काली सूची यानी कि ब्लैकलिस्ट में डाल दिए हैं और उनके वीजाओं को भी रद्द कर दिया गया है। दोस्तों गृह मंत्रालय के कार्यालय ने दिल्ली पुलिस और अन्य राज्यों के पुलिस प्रमुखों को विदेशी कानून और आपदा प्रबंधन कानून के तहत कानूनी कार्यवाही करने को कहा है। जहाँ पर यह विदेशी फिलहाल रह रहे हैं, गृह मंत्री के कार्यालय ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि पर्यटक वीजा पर तबलीगी जमात गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण 960 विदेशियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और साथ ही उनका भारतीय वीजा भी रद्द कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। जनधन खाता धारकों के लिए अच्छी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया किसके खाते में कब आएंगे रुपए। जी हां दोस्तों, फैल रही भयानक बीमारी के बीच में बंद में गरीबों तक पैसा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। जनधन खाता धारकों को बंद में आर्थिक सहायता मिलना जल्द ही शुरू हो जाएगी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी जनधन खाता धारकों के साथ यह अहम जानकारी साझा की है ताकि बैंकों में ज्यादा भीड़ जमा न हो पाए। दोस्तों अगर आपका भी जनधन में खाता है तो ध्यान से यह पूरे अंक सुन लीजिए। दोस्तों अगर आपके बैंक अकाउंट यानी कि खाता संख्या का अंतिम अक्षर 0 या फिर 1 है तो उन लोगों को 3 अप्रैल को भुगतान मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी खाता संख्या 2 या 3 है अंतिम अक्षर तो 4 अप्रैल को, 4 या 5 है तो 7 अप्रैल को, और अगर आपकी खाता संख्या के अंतिम अक्षर 6 या 7 है तो 8 अप्रैल, और अगर आपका खाता संख्या का अंतिम अक्षर 8 या 9 है तो आपको 9 अप्रैल को भुगतान प्राप्त होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। पाकिस्तान में भी तबलीगी जमात के लोगों से फैला संक्रमण, इमरान ने रावलपिंडी किया सील। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में इस्लाम का प्रचार करने वाली संस्था तबलीगी जमात के भारत में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से फैल रहे संक्रमण के और ज्यादा फैलने के मामले सामने आए हैं। इसके बाद अब पाकिस्तान भी घबरा गया है। पाकिस्तान के पंजाब के शहर रावलपिंड को पाकिस्तान में तबलीगी मरकज का केंद्र माना जाता है, जिसकी सीमाओं को मंगलवार देर रात सील कर दिया गया। दोस्तों पंजाब में अचानक संक्रमण के मामलों में आई तेजी के बाद शहर न सिर्फ बंद है बल्कि खाने पीने की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स तक भी बंद करवा दिए गए हैं। डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के निजामुद्दीन की ही तरह तबलीगी जमात ने पाकिस्तान के कई शहरों में बीते दिनों इंतजिया का आयोजन किया था। पंजाब में रह रहे तबलीगी जमात के कई सदस्य इस बीमारी के पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। फिलीपींस के राष्ट्रपति का पुलिस और सेना को आदेश, बीमारी के बंद क्वारंटाइन तोड़ने वालों को गोली मारो और दफना दो। जी हाँ दोस्तों, फैल रही बीमारी के चलते दुनिया का एक तिहाई हिस्सा बंद है, वहीं दोस्तों फिलीपींस में भी बंद कर दिया गया है। ऐसे में फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते ने बंद का उल्लंघन करने वाले लोगों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करने वालों को शूट कर दिया जाए क्योंकि वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं
रहे चिकित्सा कर्मचारियों के लिए मुसीबत बन रहे हैं और ये एक गंभीर अपराध है। दुर्तेजे ने एक टीवी चैनल पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हालात और खराब होते जा रहे हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि समस्याओं की गंभीरता को समझें और मेरी बात सुने। पुलिस और सेना को मेरा आदेश है कि अगर कोई परेशानी खड़ी करता है और आपसे लड़ता है, आपकी जान खतरे में है, तो आप उन्हें मार सकते हैं। यानी कि दोस्तों फिलीपींस के राष्ट्रपति ने तो सीधे शूट करने की परमिशन दे दी है। उन्होंने कहा है कि कोई भी जो परेशानी पैदा करता है उसे मैं दफना दूंगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। चीन के सबसे बड़े वैज्ञानिक का दावा, इस महीने के आखिरी तक यह बीमारी होने लगेगी खत्म। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई दिनों से भयानक बीमारी के कारण लगाए गए बंद के बीच हर किसी के मन में बस यही सवाल है कि आखिर कब सब खत्म होगा। खुद दुनिया के सभी नेता और वैज्ञानिक भी यही सवाल लिए बैठे हैं कि कब यह कहर टलेगा। इसी बीच दोस्तों एक अच्छी खबर आई है कि चीन के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक ने दावा किया है कि अगले 4 हफ्ते यानी कि 1 महीने के भीतर यह बीमारी खत्म होना शुरू हो जाएगी। चीन के सबसे बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर जोंग नानशोन ने कहा है कि अप्रैल महीने के अंत तक इस बीमारी का कहर खत्म होने लगेगा। डॉक्टर नानशोन का दावा है कि चीन इस बीमारी का दोबारा सामना नहीं करेगा। चीन के ही एक टीवी चैनल में दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि दुनिया के कई देशों ने इसे रोकने के लिए जो बंद अपनाया है वो इस बीमारी को रोकने में काफी प्रभावी कदम है। अप्रैल के अंत तक यह बीमारी खत्म होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का, वेदर अपडेट, मौसम समाचार। जी हाँ दोस्तों, तो जाने आज के मौसम समाचार, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो भले ही आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चल पाता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। दोस्तों दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में 8 और 9 अप्रैल को गरज के साथ कुछ स्थानों पर बारिश के संकेत मिल रहे हैं। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर पड़ गया है, जिससे अब 2-3 दिन मौसम साफ रहेगा। इस हफ्ते उत्तर पूर्वी और मध्य भारत में पारा भी बढ़ेगा। वहीं दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि टर्फ आने से अब मौसम नहीं बिगड़ेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ गया है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के कई भागों में गेहूं, चना, सरसों और मसूर की फसलें तैयार है। ऐसे में अगर दोस्तों इस वक्त बारिश हो जाती है तो 5-10% का नुकसान तो होगा ही होगा। वहीं दोस्तों बिहार सरकार ने तो किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए 518 करोड़ रुपए का आवंटन भी कर दिया है। जिन किसानों की फसल 33% से अधिक नुकसान में चली जाएगी उनको यह राहत राशि दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का, पेट्रोल डीजल की मांग घटने से संकट में सरकार, 10 दिनों बाद भी नहीं हुआ कोई भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में परिवर्तन। जी हां दोस्तों, देश भर में किए गए बंद से सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। 3 सप्ताह के बंद में हवाई जहाज से लेकर गाड़ियों का परिचालन बिल्कुल बंद है। इससे सरकार को करीब 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। दोस्तों वर्तमान समय में सरकार पेट्रोल पर 22.98 रुपए और डीजल पर 18.83 पैसे प्रति लीटर उत्पाद शुल्क वसूलती है। भारत में प्रति महीने 3.4 अरब लीटर पेट्रोल और 8.3 अरब लीटर डीजल की खपत होती है। ऐसे में दोस्तों भारतीय सरकार को पेट्रोल डीजल की खपत नहीं होने से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर बात करें आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों की, तो दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 69.59 रुपए प्रति लीटर रही, जबकि दोस्तों डीजल की बात की जाए तो डीजल की कीमत 62.29 रुपए प्रति लीटर रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोने के रेट में हुआ बदलाव, जानिए नए ताजा भाव। जी हां दोस्तों, सोने के रेट में आज भी गिरावट देखने को मिली है। नए वित्त वर्ष के दूसरे दिन आज सोना 50 रुपए कमजोर होकर 43,123 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला। वहीं दूसरी ओर दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमतों में भी 50 रुपए का बदलाव हुआ है और चांदी की कीमत अब 39,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की
अगली बड़ी खबर का। भारतीय रेलवे ने रिजर्वेशन को लेकर दी सफाई, इस तारीख के बाद टिकट करवा पाएंगे बुक। जी हां दोस्तों, रेलवे ने बंद खत्म होने के अगले दिन यानी कि 15 अप्रैल से रिजर्वेशन सुविधा बहाल करने की अफवाहों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उसने बताया है कि 14 अप्रैल तक ही रिजर्वेशन पर रोक लगी थी, इसके बाद की तिथि से रिजर्वेशन कराने पर रोक कभी लगी ही नहीं थी। यानी कि स्पष्ट है कि 15 अप्रैल से रिजर्वेशन खुलने की बात इसलिए झूठी है क्योंकि जब रोक ही नहीं लगी तो खुलने का सवाल ही कहां उठता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किया गया बंद 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने सूचित किया है कि IRCTC 15 अप्रैल से रेलवे टिकटों की बुकिंग शुरू कर देगा, लेकिन यह भी कहा गया है कि यह सुविधा आंशिक रूप से शुरू होगी। ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से शुरू होने में वक्त लगेगा। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। जल्द लॉन्च होने वाला है OnePlus 8 और 8 Pro, जानिए क्या है इस फोन की खासियत। जी हां दोस्तों, जिस दिन देश में बंद हटेगा ठीक उसी दिन OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro लॉन्च होने वाला है। दोस्तों कंपनी ने घोषणा की है कि दोनों नए हैंडसेट 14 अप्रैल को लॉन्च होंगे। ऐसे में आप भी अगर इस फोन के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। दोस्तों खबरों से जानकारी मिली है कि यह फोन 8 Pro फंकी ब्लू फिनिश अवतार में नजर आएगा और यह नया वेरिएंट अल्ट्रा मरीन ब्लू कलर का रहेगा और यह पहली बार होगा कि OnePlus का कोई डिवाइस इस तरह के फिनिशिंग में उपलब्ध होगा। दोस्तों फोन के निचले हिस्से में USB टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल स्थित है। इस सीरीज के स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 5G नेटवर्क साथ में आएंगे। दोस्तों कंपनी के CEO पेटे लेव ने फोन से जुड़ी कई जानकारियां शेयर की है। कंपनी के एक कम्युनिटी पोस्ट के मुताबिक यह फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर के साथ आएगा। इसके अलावा यह फोन LPDDR5 प्रेम और UFS 3.0 स्टोरेज से लेस होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। फैल रही महामारी से प्रभावित मीडिया संस्थानों की मदद करेगा फेसबुक, देगा $10 करोड़। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक ने सोमवार को कहा है कि वह वैश्विक स्तर पर फैल रही महामारी से बुरी तरह प्रभावित मीडिया संस्थानों को $10 करोड़ की मदद देगा। उसने कहा है कि परेशानी के समय में भरोसेमंद सूचना देने के लिए इसकी जरूरत है। फेसबुक के समाचार साझेदारी के निर्देशक केप बेल ब्राउन ने कहा है कि इस महामारी के दौरान लोगों को सूचना देने के लिए समाचार उद्योग असाधारण हालात में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस समय पत्रकारिता को पहले से अधिक की जरूरत है, इस बीमारी के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव के चलते विज्ञापन से होने वाली आय में गिरावट आ रही है। स्थानीय पत्रकार इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नए वित्त पोषण के मुताबिक करीब $2.5 करोड़ की आपातकालीन मदद स्थानीय पत्रकारों को फेसबुक पत्रकारिता अभियान के जरिए की जाएगी और बाकी $7.5 अरब अतिरिक्त मार्केटिंग प्रयासों के जरिए विश्व के समाचार संस्थानों को दिए जाएंगे। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है महात्मा गांधी का पूरा नाम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं महात्मा गांधी जी का पूरा नाम तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों अगर आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल हिंदू न्यूज YouTube चैनल टीम की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।